हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनास लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं है, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो टॉप का जो कलेक्शन है या अपनी कुर्ती का जो कलेक्शन है वो आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ या मेरी क्या चॉइस है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं इन सभी के प्रोडक्ट का अगर हो सकेगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अगर अवेलेबल होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जा करके इन्हें चेक कर सकते हैं। और फिलहाल तो जो मैंने अपने लिए मंगवाए हैं वो मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगी। अभी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई है लेकिन अभी वो मुझे रिसीव नहीं हुई है। वीडियो अगर मैं आपको वीडियो में अगर ये बीच में आ जाती हैं चीज़ें तो मैं उन्हें भी इंक्लूड कर दूंगी इस वीडियो में, तो आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अभी रिसेंटली मुझे अभी ये रिसीव हुए हैं। ये जो टॉप है, दो टॉप मैंने मंगवाए थे, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाए हैं, और ये इसका जो ब्रांड है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुए हैं, आप सभी को तो पता होगा। और ये अच्छे से मैंने सैनिटाइज़ कर दिए थे, और उसके बाद में अंदर वाली जो पॉलीथीन है वो भी मैंने अच्छे से सैनिटाइज़ कर दी थी, और इस तरीके से ये पैक होकर के आया है। ये जो फर्स्ट टॉप है, ये मैंने जीन्स या पैंट्स या फिर जैगिंग्स पर आप इसे इजीली पहन सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से। और ये जो टॉप मैंने मंगवाया है ये है मैक्स ब्रांड से, आप देख सकते हैं ब्रांड नेम इसमें शो है। ये मैक्स से मैंने मंगवाया है, और ये एक शॉर्ट कुर्ता है, जैसा कि इस पर ये टैग में भी लगा हुआ है शॉर्ट कुर्ता। और ये प्योर कॉटन की कुर्ती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये प्योर कॉटन की कुर्ती है। और इसमें जो मैंने साइज़ लिया है ये मैंने लिया है एल, क्योंकि मुझे मीडियम आ जाता है, लेकिन कॉटन की कुर्ती होने की वजह से मैं वन साइज़ लार्जर ही लेती हूँ, क्योंकि एक साइज़ हमें बड़ा लेना चाहिए, जो साइज़ हम पहनते हैं उससे हमें एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए कॉटन के मटेरियल में। और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, पूरा कॉटन का है, चेक पैटर्न है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिटेलिंग नहीं दी हुई है, ये पूरा चेक में पैटर्न है। और इस तरीके से स्लीव्स है इसकी, 3/4 स्लीव्स है, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बटन की डिटेलिंग एक साइड के शोल्डर पर दी हुई है। और साथ ही मैं आपको अगर ये जो बटन निकल जाए तो उसके लिए इसमें ये जो बटन है ये भी दिया हुआ है, ये वुडन के, ये वुड के बटन है आई थिंक, नहीं ये प्लास्टिक के ही हैं बटन। और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है, ये पूरा इसका साइज़ आपको थाइज़ पर आएगा अच्छे तरीके से। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट कुर्ती पहनना पसंद नहीं करते लेकिन उनको जीन्स पर टॉप भी पहनना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये लाइट बेबी पिंक कलर का टॉप है, आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। और इसका जो नेक है वो है राउंड में, और राउंड भी इसका नेक, आई थिंक ये बोट नेक टाइप का है, और अभी मैं आपको इसको पहन कर भी दिखाऊंगी तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और साइड में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का लग रहा है मेरे ऊपर, और इस तरीके से ये फर्स्ट जो टॉप है ये इस तरीके से मैंने लिया है, ये है मैक्स से। और मैक्स के बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और प्योर कॉटन का मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और ये जो सेकंड जो टॉप है ये है, आई थिंक ये अमेज़ॉन का ही ब्रांड है, ये तवस्या, आप देख सकते हैं इस पर, ये है तवस्या ब्रांड से। और इसका जो, अच्छा मैं फर्स्ट वाले का MRP बताना आपको भूल गई, इसका जो MRP है ये है 399 रुपीज़, आप देख सकते हैं 399 रुपीज़ इसका
MRP है, लेकिन मैंने इसे 319 रुपीज़ में लिया है, यानी कि 319 रुपये में मैंने इसे लिया है। और अब चलिए बात करते हैं तवस्या वाले टॉप की। तो ये देखिए आप, इस तरीके से ब्रांड की जो ये अंदर भी टैगिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं तवस्या, एंड इसका जो टैग है ये, और उस पर पूरी डिटेल आपको मेंशन की हुई है। और इसका जो MRP है वो है 1099 रुपीज़, लेकिन ये 1099 रुपीज़ में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा है इसका। एंड इसमें जो मैंने साइज़ L मंगवाया था, लेकिन ये XL कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता। और इसका जो मटेरियल है ये भी प्योर कॉटन का है, और ये भी एक स्ट्रेट कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती है। और लुक वाइज अगर मैं आपको इसकी बात कहूँ तो आप स्क्रीन पर साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, ये इसका टैग है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का लग रहा है पहनने के बाद में। तो आप देख सकते हैं ये जो टॉप है ये इस तरीके की नेक के साथ में आता है, ये एक अंगरखा स्टाइल पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नेक पैटर्न है ये अंगरखा स्टाइल में, बहुत ही सुंदर येलो कलर में है ये। और इसकी जो स्लीव्स की जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, स्लीव्स पर इस तरीके का ये लेस इसमें डाला हुआ है, साथ ही में ये चुन्नट भी इसमें डाली हुई है, जिससे कि ये बहुत ही प्यारा सा लुक देगी पहनने के बाद में। और आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से, ये स्लीव्स भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 1/4 से ज़्यादा बड़ी स्लीव्स हैं। और पीछे से आप इसका जो नेक पैटर्न है वो देख सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँगी कि जो ये इसका यहाँ से पट्टी दी हुई है, ये काफ़ी सुंदर लगती है पहनने के बाद में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये लग रहा है टॉप। आप इसे किसी भी वाइट पैंट के साथ में, या वाइट जीन्स के साथ में, या फिर ब्लैक कलर के किसी भी ट्राउज़र या किसी भी टाइट्स के साथ में आप इसे पहन सकते हैं। जीन्स के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। अभी जो मैंने पहना हुआ है वो मैंने एक ब्लैक कलर की पैंट के साथ में इसे पहना है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये भी थाइज़ एरिया तक आपको अच्छे से कवर करेगा, और बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है इसकी लेंथ, बहुत अच्छा टॉप है। और ये भी प्योर कॉटन का है, काफ़ी अच्छा इसका स्लीव्स का पैटर्न मुझे ये लगा है। और उसके बाद में अब मैं आपको एक शॉर्ट कुर्ती बता रही हूँ, जो कि है अदा ब्रांड से। और इसका रिव्यू मैंने, इंडिविजुअल जो रिव्यू है वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई थी, और लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैंने इसे लिया था। लेकिन ये कुर्ती मैंने कई बार धोई है, कई बार मैंने इसे पहना है, कई बार धुल चुकी है ये, लेकिन इसका जो कलर है, इसका जो इसकी जो शाइनिंग है कपड़े की, वो एज़ इट इज़ ही बरकरार है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये अदा ब्रांड की कुर्ती है। आप को अमेज़ोन पर या फ्लिपकार्ट पर अदा ब्रांड की कुर्तियाँ मिल जाएंगी। और ये इस तरीके से इसका जो फुल स्लीव्स है, येलो कलर की कुर्ती है, और ये पूरा जो इसके अंदर चिकनकारी हुई है, ये हाथ से की हुई चिकनकारी आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगी इस तरीके से, ये पूरा जो इसमें ये जो चिकनकारी आप देख रहे हैं ये हाथ से की हुई है इस तरीके से। और ये भी एक शॉर्ट कुर्ती है, ये आपको आई थिंक नी लेंथ के ऊपर इजी तरीके से आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसमें पूरी फुल स्लीव्स हैं, और मैंने इसे कई बार पहना। इसका जो नेक का जो पैटर्न है ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और साइड में आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरीके से लग रही है जब मैंने इसे पहना है। और जो भी चिकनकारी कुर्ती होती है वो हल्की सी सी थ्रू होती है, तो आपको इसके अंदर इनर पहनना पड़ेगा। कोई भी वाइट कलर का इनर आप इसमें पहन सकते हैं, बिल्कुल भी शो नहीं होगा वाइट कलर का इनर। ज़रूरी नहीं है कि आप येलो कलर का ही पहने, अगर आपके पास येलो कलर का है तो आप येलो भी पहन सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें वाइट भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये पीछे से दिखाई देती है,
और बाकी आपको साइड में स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि ये पहनने के बाद में किस तरीके की नज़र आती है। और इसका कलर इतना वाइब्रेंट है, बहुत ही सुंदर सा कलर है, आप देख सकते हैं। मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने फिर से एक येलो कलर में मंगवा ली है कुर्ती, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो जिन्हें टॉप पहनना पसंद नहीं है, जीन्स के ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनना पसंद है, तो वो इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा, इसका लिंक होगा अवेलेबल होगा ये, तो फिर मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और ये इस तरीके से, ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है, बहुत प्यारा कलर इसका है और प्योर कॉटन मटेरियल में है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी ये पहनने के बाद में। और मैंने इसे नॉर्मल इजी वॉश किया है, इस पर कोई भी मैंने जो स्टार्च वगैरह होते हैं वो नहीं अप्लाई किए हैं कभी भी। ये एज़ इट इज़ ही आयरन करने के बाद में ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती है। आप देख सकते हैं इसमें साइड में भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये चिकनकारी का वर्क है और ये पूरा हाथ से किया हुआ है ये। तो चलिए नेक्स्ट जो कुर्ती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो कुर्ती है ये मैंने लिया है मीशो से, मीशो भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ ना कुछ इससे परचेस करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो कुर्ती है ये इस तरीके से एक चिकनकारी वर्क वाली कुर्ती है ये, और इस पर सीक्वेंस का जो वर्क है आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा सीक्वेंस का वर्क इसमें किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो शाइनिंग है, और ये लाइट येलो कलर की कुर्ती है, और इसमें भी ये फुल स्लीव्स ही कह सकते हैं आप इसे, इसका जो नेक पैटर्न है वो इस तरीके का है। और ये फुल स्लीव्स में आपको स्लीव्स पर भी पूरा वर्क आपको दिखेगा इसके अंदर, और पूरी कुर्ती में सीक्वेंस वर्क भी किया हुआ है। तो ये पार्टी वेयर डे टाइम में अगर कोई फंक्शन में आप जा रहे हैं, गेट टुगेदर में आप जा रहे हैं, तो इस तरीके की डिसेंट कुर्ती। और ये लॉन्ग कुर्ती है, ये काफ लेंथ तक आपको आएगी, ये आप देख सकते हैं इसका जो नीचे का जो पैटर्न है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। और कुर्ती जब भी मैं इसे पहनती हूँ, सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस कुर्ती को कहाँ से बाय किया है, तो होगा तो मीशो में लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं। अगर होगा ये कोड आपको अवेलेबल, तो मैं कोड आपको ये अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये 40 नंबर की कुर्ती है। मैं हमेशा अपने साइज़ से एक साइज़ बड़ा लेती हूँ, क्योंकि धुलने के बाद में अगर कपड़ा श्रिंक भी होगा तो वो अपने को एडजस्ट हो जाए, इस तरीके का साइज़ में लेती हूँ। और आपको भी मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आप भी एक साइज़ लार्जर ही लें अपने अपने जो एक्चुअल साइज़ से। और इस तरीके से पूरी कुर्ती पीछे से प्लेन है, आप देख सकते हैं ये पूरी कुर्ती पीछे से प्लेन है, और ये थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा सी थ्रू है, आप देख सकते हैं इसमें सी थ्रू है ये थोड़ा सा, तो इसके अंदर भी आपको लाइनिंग पहननी पड़ेगी, यानी कि आपको इसके अंदर इनर पहनना पड़ेगा। पीछे से पूरी कुर्ती प्लेन है, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती किस तरीके से मैंने पैर की है और किस तरीके से मैंने इसे पहना है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये कुर्ती नज़र आ रही है। और इन सबका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कि ये मैंने कितने प्राइस में ख़रीदी थी। इसे ख़रीदे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और ये जो अदा की कुर्ती है ये मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैंने ख़रीदी थी अमेज़ॉन से, तो वो भी प्राइस मुझे एक्चुअल याद नहीं आ रहा है। वैसे मैंने उसका इंडिविजुअल रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया है, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सी कुर्ती है, और कुर्तियाँ बहुत सारी हैं, और अभी मैंने एक पार्टी वियर कुर्ती बहुत सारी ऑर्डर की हुई है, वो आ गई अगर टाइम पर तो मैं इस वीडियो के अंदर ही उन्हें इंक्लूड कर दूंगी, नहीं तो अलग से वीडियो मुझे शूट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं जिस पर पहनने वाली हूँ वो पैंट, ये आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, और ये एक टाइट्स हैं, आप इसे एक्सरसाइज करते वक्त भी पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेचेबल है। और ये जो ब्रांड है इसका, ये आप देख सकते हैं न्यू लुक और NEULOOK लुक, और ये मैंने एल साइज़ में लिया है, और इसका भी जो ये मटेरियल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये पॉकेट्स भी मिल जाएंगी, ये पॉकेट्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी,
और पहनने के बाद एंकल लेंथ आती है, और पहनने के बाद में बहुत ही स्मार्ट लुक देती है, काफ़ी अच्छा सा एक लुक आपको देती है ये। अभी मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लुक आता है इसका। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये हॉल आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा, और अगर हो सकेगा पॉसिबल, अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे ऑनलाइन तो मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज के सारे लुक पसंद आए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और चेतनाज लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।